ब्रांड। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जी कॉट बिहाइंड, मेरे साथ राशिद लतीफ भाई। कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? अच्छा राशिद भाई, ने पहले पूछ लिया क्या खैरियत वो ठीक है। राशिद मुझे एक चीज बताएं जी कि आपकी उम्र कितनी है? उम्र 51 का इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ। अच्छा, अगर आप 51 के हैं तो अगले साल कितने साल के होंगे? 52 के। 49 के हो सकते हैं। एक चीज मैं आपको बताऊं? नहीं, मैं एक चीज बता रहा हूँ कि मेरे साथ जो खेलते थे मुझसे छोटे थे सारे, ठीक है, वो मुझसे पहले रिटायर हो गए। मैंने कहा भाई सर्टिफिकेट थोड़ी भागता है ग्राउंड में, बंदे को खुद भागना पड़ता है। ये जो विकी भाई ग्रेटेस्ट एग्जांपल है, विकी है आपके भाई, अपना मामू रिजवान काजी, रिजवान काजी तो आले हैदर, आले हैदर तो बच्चे थे ना ये तो। चलो ठीक है, एक वो भी होता था यूबीएल का शेर अली, शेर अली मैं गाड़ी देख के डर गया था। तो ये बड़े देख रहा हूँ ना, ये हम ये बोलते हैं कि ना यहाँ के लड़के ना जल्दी बड़े जवान हो जाते हैं, लेकिन जब 25 साल के होते फिर भी वैसे ही रहते हैं। अभी बात करते हैं। अच्छा, ये हो सकता है कि अगले साल 49 के हो जाए, फिर उसके अगले साल 48 के हो जाए? कागजात में करवा सकता हूँ, करवा सकते हैं। अच्छा भाई, कागजात में आपको आपका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए वो भी मैं दिलवा सकता हूँ आपको। मजबूत काम है ना, मजबूत काम है। अच्छा भाईजान, चाय पी रहा हूँ, बहुत आप चाय पिए हैं, जरा मैं जरा बात कर लूँ। बहुत तगड़े फास्ट बॉलर नहीं है, रुक जाए पहले उनको विक्रांत गुप्ता को जरा। हाँ एक मिनट, विक्रांत गुप्ता जी मेरी तरफ से बड़ी माफी, उम्मीद है कि आप क्षमा कर देंगे, माफ कर देंगे। आपका नाम मैं भूल गया, मतलब स्पोर्ट्स तक कैसे भूल सकते हैं यार आपको, आपको भी याद कभी कभार भूल जाता है इंसान, विक्रांत भाई ब्लैंक हो जाता है कभी कभार। हम दोनों जो है ग्रेटेस्ट फैन ऑफ योर्स, आप भी बस कमाल बातें करते हैं। हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। हाँ जी जी सर। अच्छा, एक बड़ा कॉम्पिटेंट फास्ट बॉलर है जो अभी ऑस्ट्रेलिया की टूर पर सिलेक्ट हुआ है पाकिस्तान, नसीम शाह, बहुत जबरदस्त बॉलर है। अच्छा, मैं शुएब अख्तर के साथ खड़ा था, हाँ। तो मैं कहा शुएबी ठीक है कि मैं क्रिकेटर नहीं हूँ, आप क्रिकेटर हैं, आप उसका स्लिंगिंग एक्शन बैक शैक सारी चीजें बनाएंगे। मैं कहा शुएब उसके शोल्डर जो है ना वो डेवेलप हो गए, तो वो 16 साल के बच्चे के डेवेलप नहीं हो सकते, बहुत एक्सेप्शन हो जाए, नहीं हो सकते मेडिकल टर्म में आप ज्यादा। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, 19-1 साल में जाके आपकी मसल डेवलप होते हैं, ठीक है। अब वो स्ट्रेंथ तगड़ा बॉलर है, और उसने जब बैक की इंजरी हुई थी उसके बाद मेहनत भी बड़ी की है ताकि वो तगड़ा, तो तगड़ा है वो, तगड़ा है ना। अब भाईजान 2016 में वो केपीके से अंडर 16 पिशावर से अंडर 16 के, बिल्कुल, फिर इनको स्मगल किया गया टू लाहौर नेशनल क्रिकेट अकेडमी। पोटेंशियल नजर आया अली जिया भाई को, पोटेंशियल नजर आया, मैं नाम नहीं कह रहा, पोटेंशियल नजर आया, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि एजी भाई ने कुछ कर दिया, ठीक है जी भाई। और अब ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। राशिद भाई जी, एक हमारे साथ साहब खेलते थे, नाम नहीं लूंगा, तो वो अंडर 19 में सिलेक्ट हो गए, और वो अंडर 19 में सिलेक्ट हुए, वो 3 साल अंडर 19 खेले, 3 साल, फिर वो अंडर 19 टीम के असिस्टेंट मैनेजर हो गए, ठीक है, और कोच हो गए, और फिर 5वें साल फिर वो अंडर 19 में कप्तान हो गए। अच्छा ठीक है, ये मोहम्मद वसीम तो नहीं है, ये तो हो गया एक। दूसरा सुन ले, हमारे साथ नेशनल अंडर 19 चैंपियनशिप में खेल रहे थे, तो वो मियानी साहब कब्रिस्तान के करीब से गुजर रहे थे, नाम ही लूंगा मैं, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे वालदा का फातिहा पढ़ लेते हैं, हम सारे भी उतर के चले गए फातिहा पढ़ने, तो वो पैदा हुए थे 1969 में, वालदा का इंतकाल हुआ था 1967 में, तो कागज में बाद में पैदा हुए, डॉक्यूमेंट्स पे ये हो गए दो। तीसरा सुन ले, वो तो है प्लेयर ही बहुत बड़े बने थे, नहीं सुनो नाम ही लूंगा, तो उनकी वालदा के घर लंच हो रहा था, तो वो कहते थे कि वो 1971 में पैदा हुए, तो उन्होंने बोला कि जो पैदा हुआ है ना 1968 में, तो हम सारे एक दूसरे का मुंह देखे, 5 साल की डंडी भाई, ये तो डंडा हो गया। तो ये होता रहा, बहुत सारे प्लेयर ऐसे हैं, ये करना नहीं चाहिए और रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, प्लेयर्स प्रोडक्शन रुकती है, जब बड़े प्लेयर किसी रीजन के खेल रहे होते हैं छोटे प्लेयर के खिलाफ, तो बड़े ही प्लेयर ही सामने आएंगे, छोटे प्लेयर तो वहीं पे रह जाते हैं। हमारे अंडर 19 अंडर 16 से प्लेयर आता है ना, अंडर 19 में ये अगर 22-23 साल के प्लेयर हैं, अपनी पीक पे होते हैं और ये यहीं रहते हैं, लेकिन क्या है पाकिस्तान या नेशनल कलर हासिल करने में आसानी हो जाती है, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। अब कुछ भाईजान लोग जो हैं वो 2 साल बड़े लिखे जाते हैं डेटा में, ये भी होता है,
मिसाल है ना उनके पास, एक साहब की जिन्होंने 2.50 किए थे, 7 फर्स्ट क्लास मैच, नाम ना लीजिएगा। अच्छा अब आपको एक और चीज बताऊं, अब अंडर 19 में साउथ अफ्रीका हमारी टीम गई, भुरकस निकाल के रख दिया उन्होंने, 7-7 मैच जीत गए। इसका मतलब है पाकिस्तान का फीडिंग स्टॉक बहुत जबरदस्त है। लेकिन अगर आप दुनिया में उठा के देखें जो अंडर 19, चाहे केन विलियमसन है, चाहे रॉस टेलर है, चाहे स्टीव स्मिथ है, आप जिसको भी देख लें, इवन विराट कोहली को देख लें आप, ये सारे ग्रेजुएट हुए अपनी जूनियर क्रिकेट से। हमारे जूनियर क्रिकेट से 2-4 आते हैं और फिर बाकी कहीं गायब हो जाते हैं। शायद रीजन ये है कि ओवर एज प्लेयर्स अंडर 19 खेल रहे होते हैं। बिल्कुल आपने सही फरमाया, ठीक जा रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल सही जा रहा हूँ। आपको अंदर की एक और लीग लू, बोर्ड को उन्होंने जाके कहा कि भाई पाकिस्तान के तुमने एनओसी नहीं दिया T20 में, पहले दे के विड्रॉ कर लिए, यू टर्न तो ले ही रहे हैं ना पीसीबी वाले। तो वो उन्होंने जाके कहा कि भाई ना मैं फर्स्ट क्लास खेलता हूँ, ठीक है, वाइट बॉल का मैं प्लेयर हूँ, मुझे पाकिस्तान की टीम में सिलेक्ट नहीं करते, जहाँ पे मैं सिलेक्ट हो भी सकता हूँ, और मैं सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड आपके साथ नहीं, तो फिर आप मुझे क्यों नहीं जाने दे रहे अगर शायद अफ्रीका T10 खेलने। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे नहीं खेलने दे रहे और शायद अफरीदी भी जा रहे हैं और इमरान जा रहे हैं और इमरान नजीर भी जा रहे हैं, मैं बता रहा हूँ आपको सर, जा रहे हैं ना सर, जो इनका जो टाइटल ज़हीर खान का और मोगन का एयरपोर्ट पे जो बना है, गायब किया उन्होंने, शायद अफरीदी बीच में सर, वो और चीज है जो गायब किया, वो पोलिटिकल है, उस पर नहीं जाते, शायद अफरीदी जा रहे हैं, उस पर लड़ाई हो जाएगी। एक और भी कोई जा रहे हैं साथ जो कि अब रिटायर हो चुके हैं, मेरा जुल्फकार बाबर। अच्छा अब उन इन साहब ने कहा कि भाई ने मुझे भी इजाजत दो, या किसी को ना भेजो, एक फड्डा ठीक हो गया। दूसरा फड्डा ये है कि एक डिपार्टमेंट जो है उसने वाकई लेटर दे दिए हुए हैं, छोटी छोटी बातें अपने प्रोग्राम पर ना करो ना, यही बहुत बड़ी बात है, होगी बड़ी तो आपको बताऊंगा मैं। अच्छा भाईजान कुसुम रंजीता, वो फास्ट बॉलर जिन्होंने आपको बड़ा इंप्रेस किया था जब वो पाकिस्तान आए, जानते भी नहीं इसको, सुन लेना, इधर हमारे बैट्समैनों को बल्लेबाजों को दिक्कत हो रही थी उनको खेलने, होनी चाहिए थी इधर यहाँ पे पाकिस्तान की पिचेस पे, तो वो गए हैं वहाँ पे और उन्होंने वहाँ पे भी वैसे ही सोच रहे हैं जैसी पूरी दुनिया, कह रहे ना ऑस्ट्रेलिया गए 4 ओवर में 75 हुई है, और इससे पहले एक टर्किश फास्ट बॉलर थे जिन्होंने चेकोस्लोवाकिया के अगेंस्ट 4 ओवर में 70 दिए थे पिछले साल, क्या नाम था उनका, ठीक है, तो अब इन्होंने 72 दे दिए, और डेविड वार्नर भाई ने 56 गेंदों पे 100 किया, ठीक है, और 28 गेंदों में मैक्सवेल भाई ने 62 कर दिया, और उसके अलावा एरन फिंच भाई भी जो है उन्होंने भी 60 प्लस कर दिया। मैच में ये तीनों लोग होंगे ऑस्ट्रेलिया का क्या बनेगा, स्टीव स्मिथ करेगा नीचे से और एस्टन टर्नर करेगा, कुछ भी नहीं होता। देखें बात की, हर कोई मैं देख रहा था, हर कोई बोल रहा है कि पाकिस्तान ने के खिलाफ ऐसा किया, पाकिस्तानी पिचेस अच्छी नहीं थी और पाकिस्तान की तमाम में बैटिंग बाद में आई है, वो बहुत लो बाउंस और बहुत ही खराब पिचेस थी, और श्रीलंका की जो टीम है ना वो एशियन कंडीशन में वो जो टीम थी वो बड़ी से बड़ी टीम को भी अभी हरा सकती है यहाँ पे। दूसरा ऑस्ट्रेलिया की जो पिच थी बहुत ही जबरदस्त फास्ट बॉलर के लिए थी और वो मेरे ख्याल से एडजस्ट होने में टाइम लगता है, एकदम क्रिटिसाइज कर देना, अभी पाकिस्तान टीम को भी प्रॉब्लम होगी, आपको 15-20 दिन चाहिए होते हैं। नहीं, भाई नहीं, आपका क्या मतलब है कि फिर मैं एरन फिंच को फोन करके कहूँ कि यार पाकिस्तान को पहले बैटिंग कराओ, क्या आप कह रहे हैं ना कि सेकंड बैटिंग नहीं, नहीं, नहीं यार, यही तो प्रॉब्लम है, क्या हुआ जहाँ पे बॉल हिली ऑस्ट्रेलिया का क्या बना यार, आप ऑस्ट्रेलिया की बॉल को यार बना, दो टेस्ट तो हार गया है यार, आप एक मिनट रुके बात यार, यार वो तो एक सेमीफाइनल में क्या बना इनका, वन साइडेड सेमीफाइनल हार के आ गए। अच्छा यार हमारी टीम तो इनको बस ढेर कर देगी, नहीं मैं अपनी टीम की बात नहीं कर रहा, एशियन टीम को प्रॉब्लम होती है, थोड़ा 10-15 दिन चाहिए। अब क्या है हॉकी टीम की जैसे गई है, एक दिन ट्रेवलिंग की, अगले दिन मैच खेला, उसके अगले दिन मैच खेला, वापिस आ गए, यार होटलिंग के पैसे बचाते हैं हॉकी वाले PHF वाले, उनको 4-5 दिन उनको खेलने दो वहां पे, उसके बाद मैच होगा। लेकिन आपसे थोड़ी सी इसमें मैं डिसएग्रीमेंट करूंगा, पाकिस्तान हॉकी जी आउटस्टैंडिंग मैच खेले हॉलैंड के अगेंस्ट 4-4, वो भी आपका गोलकीपर, नॉट एन एक्सक्यूज, जो मेन गोलकीपर है उनको वीजा नहीं मिला, वो जा नहीं सके, आई एम नॉट सेइंग एक्सक्यूज है, लेकिन राशिद भाई वर्ल्ड हॉकी चेंज हो चुकी है, वो एंगुलर हॉकी हो चुकी है,
और इंड्योरेंस और बच्चे जो है तगड़े होने चाहिए. हमारी पीएचएफ जो है वो अपनी टिकट्स ले लेते हैं ऑफिशियल्स. बच्चे वाटर कूलर में पानी है तो खत्म हो गई हमारे यहाँ. हम बात कर रहे हैं, ये बड़ी बात है कि हम हॉकी पे बात कर रहे हैं. क्रिकेट भी खत्म होने जा रही है. जिस किस्म के हालात किए जा रहे हैं. तो मैं जहाँ पे था ऑस्ट्रेलिया की टीम देखें अपने होम पे तो तगड़ी है वो. इसमें तो वार्नर से आने के बाद अच्छी हुई है और टर्नर आए इनके पास और मैक्सवेल बहुत अच्छा खेले. उल्टे भी मारे सीधे भी मारे. हर मैच में ऐसे नहीं लगते, इसीलिए इनको ड्रॉप कर दिया गया था वर्ल्ड कप की टीम से. प्लेइंग 11 से इनको ड्रॉप किया गया था क्योंकि ये नॉन सीरियस बैटिंग करते हैं और T20 है नॉन सीरियस. हो गया तो वाह वाह, नहीं हुआ तो क्या हुआ. चले मान लेते हैं. वैसे जिस बॉलर को आपको लेके जाना चाहिए तो उसको लेके नहीं गए. छह ओवरों में मैक्सवेल को फारिग करता है. एनीवेज कौन वह छोड़े ना. मैं बताया आज मैं जरा मोहताज खेल रहा हूँ. लेकिन मैं जी आपको फ्रेंकली बता दूं कि अगेंस्ट श्रीलंका पाकिस्तान की परफॉर्मेंस, चाहे पिचेस की ये बात कर लें चाहे एशियन कंडीशंस की बात कर लें, इनसे मैं अग्री नहीं करता कि वो बड़ी सी बड़ी टीम को हराती. वो ना हराती टीम. हम लोगों ने अजीबो गरीब कॉम्बिनेशन खिलाया. हम लोग वी वर नॉट देयर. पिचेस अच्छी बनाई नहीं. इंफ्रास्ट्रक्चरल इशूज़ थे एंड पाकिस्तान वर डेसिमेटेड. ऑस्ट्रेलिया में जैसे राशिद ने कहा कि हाँ एडजस्टमेंट्स के और एक्लिमेटाइजेशन के मसाइल होते हैं, लेकिन अगेन दिस इज़ नॉट एन एक्सक्यूज़. आप ग्लोबली इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हैं और आपको कम अज़ कम तगड़े मैचेस. पाकिस्तान के हारने की वजह है जो थी श्रीलंका की, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती. मानी ने आखिर कैसे मानी मिसबा की. Got banned.